रिवेंज यानी कि बदला। अब ये जब से कोविड की वेव आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो हम दो चीज़ें लगातार सुन रहे हैं। कोविड के बाद हमने सुना भैया रिवेंज शॉपिंग, और फिर सुना रिवेंज टूरिज्म, और इससे इकॉनमी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर डाला। आखिर ये रिवेंज शॉपिंग और रिवेंज टूरिज्म होता क्या है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है मानव। क्यों लोग रिवेंज ले रहे हैं शॉपिंग से और टूरिज्म से, ये मुद्दा क्या है पूरा समझाते हैं आपको इस वीडियो में। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इसी तस्वीर को रिवेंज शॉपिंग कहते हैं। ये लोग घर से सामान खरीदने नहीं निकले, ये बदला लेने निकले हैं, कोविड के लॉकडाउन का बदला। आइए आपको बताते हैं रिवेंज शॉपिंग होती क्या है। रिवेंज शॉपिंग टर्म हमने कोविड लॉकडाउन के खत्म होते सुना था। कई महीनों से घर की चार दीवारी में बंद लोग अपने मन की भड़ास निकालने के लिए शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिले। शॉपिंग के शौकीनों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग से अपना मन तो बहलाया था, लेकिन जो मजा किसी मॉल या मार्केट में जाके शॉपिंग का है वो उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिला। शायद यही कारण था कि लॉकडाउन हटते ही मॉल्स और मार्केट में हमने लंबी लंबी कतारें देखी, और भीड़ को देखकर लग रहा था कि मानो कोरोना कभी आया ही नहीं था। ये नतीजा था रिवेंज शॉपिंग का। लेकिन रिवेंज शॉपिंग मॉल मालिकों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। मॉल्स के अंदर फुटफॉल लगातार बढ़ता हुआ देखा गया है। कुछ मॉल्स तो 2020 के प्री पैंडेमिक फुटफॉल पर पहुंच गए हैं, यानी कि कोविड के आने से पहले जितने लोग मॉल्स में जाया करते थे अब उससे ज्यादा लोग मॉल्स में पहुंचने लगे हैं। बढ़ते हुए फुटफॉल रिटेलर्स को भी उभरने में मदद कर रहे हैं। फरवरी 2022 में प्री पैंडेमिक के मुकाबले 104% की ग्रोथ देखी गई है। इस लिहाज से रिटेल और मॉल इंडस्ट्री 2022-23 के वित्त वर्ष को एक आशा के रूप में देख रही है। 2020 में कोविड के बाद से ही मॉल इंडस्ट्री लगातार नुकसान में चल रही थी। उसके बाद सेकेंड वेव में भी सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस मॉल्स पर ही लगाए गए थे। हालांकि अब मॉल्स के ऊपर से पाबंदियां हटा दी गई हैं और लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। रिवेंज शॉपिंग जहां एक तरफ लोगों को नॉर्मल जिंदगी में लौटने का एहसास दिला रहा है, वहीं पर देश की इकोनॉमी पे भी इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं अब देश में और कोई नई कोविड वेव नहीं आएगी और इस तरह से मॉल में भीड़ बरकरार रहेगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर रिवेंज लेना हो तो शॉपिंग करके लें।